और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए गुना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किस मुंह से वोट मांगने आओगे, जो राम के निमंत्रण को ठुकराया है उसे जनता भी ठुकराएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो पाप कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी से हुआ है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। जिस तरह श्रीकृष्ण ने अन्याय के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था, उसी तरह सुदर्शन चक्र अब जनता के हाथ में है। ये भगवान राम के लक्षण आपको शोभा नहीं देते, भगवान राम का अपमान आपको शोभा नहीं देता। ये जो पाप हुआ कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रत्याशी से, अब इसका हिसाब चुकता करने के लिए जनता के पास ताकत आ गई। भगवान कृष्ण के काल से आप सबको, जैसे भगवान ने उंगली पे क्या धारण किया था, क्या धारण किया था, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र की ताकत क्या थी, जहां धर्म होता है वहां भगवान सुदर्शन चक्र से कहते, हे सुदर्शन, इस अन्याय को बर्दाश्त मत करना, तू अपना काम कर और भगवान का नाम ले। ये जनता के पास भी सुदर्शन चक्र है अपनी अपनी अंगली में।